अचानक आवाज आई, देखा तो बाहर ना गोले चला रहे गेट, मतलब दो तीन उन्होंने शॉट करते ही, तो मैं डर गया, मैं फटाफट अंदर चल गया। तो बाद चो चला के जो सारा गेट डर गया वो चल गए मैं अंदर दो जन। तस्वीर बटाला दी हैं जिथे कि अज एक बार फिर तो गोलियां चलिया हैं बटाला के हाथी गेट के बाहर छज्जू राम प्रॉपर्टी डीलर की दुकान के दो मोटरसाइकिल सवार ने अंधाधुंध गोलियां चलाईया हैं। किसी का जानी नुकसान तो नहीं होया है पर दुकान के शीशे से गोलियां लगन करके दुकान के शीशे टुट गए और चार पांच रौंद गोली मौके पर चली। फिलहाल पुलिस वालों मौके पर पहुँच के जाँच भी आरंभ दी गई है। दुकान के मालिक ने घटना की जानकारी देते हुए कहा है कि मेरे बेटे को कुछ दिन पहला ही किसी का फोन आया कि 10 लाख रुपए की फिरौती देवो। उन्होंने कहा कि असी SSP बटाला दरखास्त भी दी थी पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो अज शाम साड़ी दुकान पर दो मोटरसाइकिल सवार लोगों ने गोलियां चला के वो फरार हुए हैं। इस सारी घटना की जानकारी मौके पर मौजूद चश्मदीदा ने भी दी है। संबंधित थाना इंचार्ज मोलक सिंह ने घटना बारे दसदे कहा है कि इन्हों पहला ही धमकी मिली थी पर फिरौती की कोई भी कंप्लेट नहीं आई है। उन्होंने कहा कि फिर भी पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है तो CCTV फुटेज भी खंगाली जा रही है। सजुराम जी प्रॉपर्टी का काम है जी साडा, बाकी 5:10 काम हो जी। मैं खाना खान गया हैगा तो मेरा एक मुंडा से अपना बच्चा ही है नौकर सागर वो सीगा, एक मेरा मुलाजम वो सीगा, बस आया तो चार गोलियां चला के चले गए। अपना नहीं वेखे स्पलेंडर मोटरसाइकिल स्पलेंडर हैगा, CCTV ने चेक किया जी स्पलेंडर मोटरसाइकिल आया जी, तो दो लड़के आए बस, कोई रंजिश नहीं। अज तो कोई 10-15 दिन पहला मेरे काके को फोन आया है कि सिसना रुपया 5-10 लाख रुपया सू चाहिए जी, फिर अभी SSP साहब को जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। हाँ जी रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद SSP साहब कहते कोई नहीं जो कार्रवाई इन्होंने बनती करा, पर नहीं की थी। नहीं की थी। मेरा काका गया है मनीष, वो कहते कोई नहीं अभी टेस्ट कर रहे हैं, बंदे टेस्ट हो गए हैं पर हाल तक फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिम्मेवारी किसी की भी नहीं जी, रब के भरोसे चल रहा सारा पंजाब, कोई किसी की जिम्मेवारी नहीं, कोई जगह मर गया कल खत्म। 5:45 इतने घटना वापरी आ हाथी गेट तो जरा बोधे की खूह में रस्ता जाता उस उपर ना प्रॉपर्टी डीलर आ सतगुर प्रॉपर्टी डीलर के नाँ से मनीष उन्होंने मालिक का ना है छज्जू राम तो मनीष उन्होंने शामी उन्हों की दुकान देते वो आप ध्यानी थी दो नौकर से उन्होंने उदो आ दुकान से फायरिंग करके गए ने शीशे का गेट से टुटिया दो जने से मोटरसाइकिल के उपर उन्होंने मूँह बधे ने मोटरसाइकिल के उपर ने दोनों ने फायरिंग की है दुकान से 5 to 6 खोल मिले ने सू आ मैं हूँ ही पता लगा कि इन्होंने को इन्होंने पहला राहुल को थ्रैट आया से किसी फॉरन के नंबर से उन्हें कोई यदि पैसे की मांग की 8-10 लाख रुपये नहीं नहीं दरखास्त साढ़े कोई नहीं मिली ज ना मैनू ये बारे कोई नॉलेज है। CCTV फुटेज के एक तो जिते आप इतने प्रॉपर्टी डीलर इतने भी बड़ी हूँ अगे पिछे अभी पार्टियां भेजी। बटाला तो सिमरनजीत सिंह की रिपोर्ट 5 अप टूडे।